hello everyone this is dinkar bharti and welcome to all of you in my youtube channel art and fashion by dinkar in this video we are going to learn a beautiful drawing of flower uh, from my art book six standard so on the page number 51 you can see that a very simple drawing of flower with the help of poster color and on page number 50 that uh, this is a, a layout uh, drawing so before we are going to start this work please subscribe my channel that is art and fashion by dinkar so for this drawing uh, we have to um, we need one drawing sheet one drawing file poster color pencil and eraser so now we are going to start firstly we have to draw a saw oval so this is oval और अब हम इसके साथ की जो लीफ है उसको ड्रॉ कर रहे हैं जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कलरिंग करने से पहले आपको जो पेंसिल के मार्क है उसको बहुत ही ज़्यादा लाइट करना है तो इस तरीके से हम इरेज़र यूज़ करेंगे और पूरी जो हमारी ड्राइंग है इसको बहुत ही लाइट कर देंगे सो so, मार्क जो है बहुत ही लाइट हो जाए और हमारे जो कलरिंग पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा विजिबल ना हो बिफोर कलरिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई वन कोट ऑफ वाटर ऑन माई शीट ओके देन आई एम गोइंग टू अप्लाई लेमन येलो कलर पोस्टर कलर लामन येलो पोस्ट कलर ओके एंड देन क्रिम्सिन येलो दिस इज अ डार्क शेड ऑफ येलो कलर सो आई एम अप्लाइंग क्रिम्सिन येलो कलर हियर again i'm showing you one more time water a few quantity of water and then lemon yellow देन लास्टली क्रोम येलो फाइन सो इस तरीके से सारी पेटल्स को हम एक बार कलरफिल कर देंगे और लास्ट में फिर हम ऑरेंज कलर से थोड़ा सा शेड करेंगे सो so, पहले वाटर की कोटिंग करेंगे सारी पेटल्स पे क्योंकि मेरे ब्रश में थोड़ा सा पोस्टर कलर है नो no इश्यू थोड़ा सा मैं एक कोटिंग आ रही है कलर की नाउट टाइम फॉर द क्रोम येलो क्रोम येलो लैमन येलो से थोड़ा सा एक टोन डार्क होता है और इसमें शाइन होती है सो बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है एक ही फैमिली के कलर हैं सेंटर एरिया पे भी हम फिर से एक वाटर की कोटिंग करेंगे हियर वी आर गोइंग टू यूज ब्राउन कलर एंड द टेक्निकल नेम इज ब्रन सियाना टेक्निकल नेम इज ब्रन सियाना Next is green color. Okay, before green color, we want to do one more yellow coating here. Now, time for the green color. So, for green, I'm using light green here. ग्रीन so, कलर के लिए यहां पे भी हमको थोड़ा सा वाटर अप्लाई करना है लीफ के लिए स्पेस क्योंकि बड़ा है तो आप थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज कर सकते हैं नाउ आई एम यूजिंग लाइट ग्रीन कलर या एम यूजिंग डार्क ग्रीन कलर सिर्फ एक टोन ही है डार्क है इससे उससे एक थ्री डी इफेक्ट आएगा सो नीचे के एरिया में आप डार्क ग्रीन यूज करेंगे और ऊपर के एरिया में आप लाइट ग्रीन यूज करेंगे और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे अगर आपको लग रहा है कि शीट वेट हो रही है तो ब्रश में एक बार थोड़ा सा वाटर ले लें और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करें इस तरीके से लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जैसे यहाँ पे भी हमने किया है येलो कोटिंग सॉरी ग्रीन कोटिंग स्टैम्प में तो स्टैंप के एक साइड में आप इसको थोड़ा सा डार्क लेके मिक्स कर सकते हैं मिक्स नहीं हो रहा है तो ब्रश में वाटर लिया और फिर एक वाटर की कोटिंग तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो कलर है वो जाके मिक्स हो जाएगा तरीके से इस तरीके से आपको बार 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 लाइट और डार्क की कोटिंग करनी है। साइड साइड में थोड़ा सा डार्क सेंटर में थोड़ा सा लाइट बस यहाँ पे जाके हमारी ड्राइंग का फोरग्राउंड पार्ट पूरा हो गया है अब सिर्फ रहा हमारा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर सो पूरी ड्राइंग में हमको एक लाइट ब्लू कलर करना है तो उसके लिए हम चाहे तो एक बड़ा सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड को भी हमको वाटर अप्लाई करना है अच्छा उसके पहले अगर हम चाहें तो इस वैसे हमारा जो एस पर बुक जो फ्लार दे रखा है वो कंप्लीट है और अगर हमको चाहिए कि हम अपनी जो ड्राइंग है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करें और ज़्यादा ब्यूटीफाई करें तो मैं यहाँ पे वर्मेलियन कलर यूज़ कर रहा हूँ और वर्मेलियन के मैं छोटे से ब्रश से बिल्कुल ट्रिपल ज़ीरो जो ब्रश है मेरे पास में मैं उससे स्ट्रोक लगाऊँगा सो वर्मिलियन कलर है जो कि काइंड ऑफ ऑरेंज कलर है इससे मैं बिल्कुल लाइट हैंड से स्ट्रोक अप्लाई करूंगा सो so, वो इसमें एक ब्यूटी क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से पूरे में कलर करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा इसको इफेक्टिव टच देने के लिए ब्राउन कलर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। जितने भी जो हमारे हर पेटल की जो सेक्शनिंग है वहाँ पे मैं ब्राउन कलर थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से इन्हीं गिनी, गिनी पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है और सबसे लास्ट में हमको यूज करना है बैकग्राउंड के लिए ब्लू कलर सो so, उसके लिए हम लोग डायरेक्टली ब्लू कलर कोई शेड देने की ज़रूरत नहीं है ब्लू का एक बहुत ही लाइट कोट करेंगे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है अदरवाइज ज़्यादा डार्क हमने कर दिया तो फिर ये होगा कि हमारा जो ब्लू है वो फोरग्राउंड पे जो हमारी मेन ड्राॅइंग है उसको ज़्यादा दबा देगा सो हमको ऐसा करना है कि ब्लू बहुत लाइट हो और बैकग्राउंड को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करे ना कि हमारा मेन ड्राइंग को थोड़ा सा बेकार कर दें अगर एरिया बड़ा है तो आप थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज़ कर लें ताकि काम इजी रहेगा क्योंकि छोटे ब्रश से आप करेंगे तो पोस्टर कलर में पैचेज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा ब्रश अगर आप यूज़ करेंगे तो काम जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा फटाफट हो जाएगा सो so बैकग्राउंड के कंप्लीट होते ही हमारा ये ड्राइंग जो है पोस्टर कलर ड्राइंग कंप्लीट होता है और पेज नंबर ये आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर फिफ्टी और फिफ्टी वन पे सो so अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी हो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो